अब सबसे पहले मैं जिनका नाम आमंत्रित कर रहा हूँ, पंडित अरविंद तिवारी जी ज्योतिषाचार्य महोदय। हम इनका सम्मान तो बाद में करेंगे, पहले अनुराग जी इनसे एक प्रश्न ज़रूर दाग दें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ज्योतिषाचार्यों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा लोगों का होता जा रहा है। देखते हैं कि पंडित अरविंद तिवारी जी क्या सोचते हैं। ज्योतिष एक बड़ी अनोखी विधा है और मुझे लगता है कि गणित और विज्ञान का एक कॉम्बिनेशन है ज्योतिष। सामान्य तौर पे तोते वाले ज्योतिषी बैठे हुए व्यक्ति को भी ज्योतिषी मान लिया जाता है, किसी को भी। अब दिमाग में मेधा, प्रज्ञा और बुद्धि कहाँ है? हम तो सिर्फ एक ही जगह जानते हैं कि यहाँ है बुद्धि, यहाँ है मेधा, यहाँ है प्रज्ञा। लेकिन जब हम विज्ञान की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से देखते हैं तो दिमाग को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, और जिसको हम कहते हैं अक्सर ऊपरी माले में केमिकल लोचा काम करता है, वो केमिकल लोचा जो ऊपर स्टार्स हैं उनके अनुसार काम करता है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, कई बार मेरी डिस्कस होती है और पहली बार पंडित जी से मैंने आग्रह किया था एक बार टीवी पे आप लाइव बैठिए, और शायद उसके बाद आप टीवी पे शुरू। मैं बिल्कुल अनुराग जी का हृदय से आभारी हूँ। 2007 की वो घटना है, मुझे आज भी याद है, इंडिया टीवी में आप थे उस समय, और पहली बार देश के एक मूर्धन्य विद्वान थे दाती महाराज, जो कि शनि महाराज के नाम से जाने जाते हैं, और शनि को लेके हमने डिस्कस किया था, और शायद उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं पंडित अरविंद तिवारी के साथ कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद एक बार और हुआ जी, फिर हम लाइव बैठे, इन्होंने कहा कि शिवराज जी की सरकार गई। जी बिल्कुल, मैंने कहा बहुत ठीक ठाक आदमी है, उनकी सरकार क्यों जा रही है, एक गई, और बाद में हमको मालूम पड़ा कि सरकार चली गई। उसके बाद फिर मैं लाइव में एक बार बैठा तो हम मिथुन लग्न कन्या राशि पर चर्चा कर रहे थे, कमलनाथ जी की चर्चा की, बोले ये भी गए। मैंने कहा आप आए ही मत करो, जब आते हो कहते ये भी गए, ये भी गए, तो काम ठीक नहीं है। लेकिन अधिकांश भविष्यवाणियाँ आपकी सटीक बैठती हैं। अरविंद जी कैसे लग रहे हैं आपको? अरविंद भाई के बारे में मैं एक बात कहूँगा, अरविंद भाई से मेरा परिचय विद्यार्थी परिषद के ज़माने से था, जब अरविंद भाई इमामी गेट पे जो विद्यार्थी परिषद का दफ्तर था वहाँ विराजा करते थे और हम अक्सर मिला करते थे। अरविंद भाई की जो कुंडली है, जितना मुझे याद आती है 9 अगस्त 1968 को शायद पैदा हुए हैं, और इनके दिमाग में सबकी कुंडलियाँ फिट रहती हैं, आप किसी के भी बारे में पूछें जी। अब क्या नहीं, मैं अरविंद जी के बारे में एक ही बात कहूँगा, देखिए 2022 अरविंद जी के लिए बहुत शानदार जाने वाला है, और अभी 23 मार्च को गुरु का ट्रांजिट है कुंभ राशि में, अरविंद जी की कुंभ राशि है, और मुझे लगता है कि अरविंद जी अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, और जो बात अरविंद जी ने कही मैं उस पर बिल्कुल मोहर लगाता हूँ कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में लोगों को घर दिलाने में अरविंद जी की सबसे महती भूमिका रहेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल जी, यहाँ कमल पटेल जी, उधर कमलनाथ जी 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 नहीं बिल्कुल, राशि से देखें तो सब कुछ एक सा है बिल्कुल, तो उनका भी ठीक होना चाहिए फिर। नहीं देखिए, कमलनाथ जी की कुंडली थी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की, उनने एक ही गलती की, जिस दिन वो शपथ ले रहे थे मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा आप शपथ गलत लग्न में आप ले रहे हो। आप देखिए कि उस दिन 3 राज्यों की शपथ हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रदेश की जो शपथ ग्रहण की कुंडली थी बहुत ही अस्थिर लग्न की थी, मैंने उसी समय, कुछ हमारे पत्रकार मित्र थे, किसी अखबार ने छापा नहीं, एक छोटे से अखबार ने छापा भी था, मैंने लिखा था कि 15 मार्च के बाद इनकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि सरकार गिरने के बाद मुझे कहना नहीं चाहिए, माननीय ने मुझे बुलाया भी था कि पंडित जी अब क्या उपाय हो सकता है, तो मैंने कहा कि सर अब वो समय निकल चुका, देर कर देते हैं उनके साथ समस्या है, वो देर बहुत कर देते हैं वो। और अभी रिसेंट की घटना थी, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, और उस समय मैंने चूंकि भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिलेंगी और कांग्रेस को 10 मिलेंगी, तब भी मुझे बुलवाया था किसी के माध्यम से, तब भी मैंने कहा था कि सर यही स्थिति होगी, और मैंने सीट के साथ बताया था कि आपको कहाँ तो कमल जी की कुंडली है क्या आपके? मैं बिल्कुल कमल जी की कुंडली की भी बात कर लेता हूँ, तुला कमल जी की कुंडली बहुत अच्छी, तुला लग्न सिंह राशि की कुंडली है, और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि कमल जी देश के जो बड़े कृषि मंत्री जो होंगे उनमें से एक नाम कमल जी का होगा, और
मध्य प्रदेश में खास तौर से जितने भी किसान हैं वो इस बात को लेकर गर्व करेंगे कि उनके प्रदेश में एक योग्य और किसानों के हित को समझने वाला एक मंत्री है जो कि बहुत सहज रूप से सभी को उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि कमल जी भविष्य में सब कुछ, प्रकाश जी कुछ, पालीवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, खड़े हो रहे हैं जी। जी जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा जिक्र करूंगा। हमारे यहाँ राजा भोज की मूर्ति की स्थापना होनी थी और उसकी स्थापना से पहले मेरे से पूछा गया था कि क्या राजा भोज की मूर्ति को तालाब में लगाने से भोपाल में विकास में कोई कमी तो नहीं आएगी या इस तालाब में पानी तो कम नहीं होगा। मैंने कहा कि जिस राजा के नाम पर ये शहर बसा है उस राजा की मूर्ति लगाने के बाद इस तालाब में कभी पानी कम नहीं होगा और आज तक नहीं हुआ। आपका प्रश्न, आपने कहा भानपुर की खंती है, देखिए आपने, अब भानपुर की खंती लगभग समाप्त हो गई है और मुझे लगता है कि भोपाल, चूंकि भोपाल की कुंडली के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्योतिषी हूँ, हर काम ज्योतिष और कुंडली के हिसाब से ही करता हूँ। भोपाल की चूँकि राशि मकर राशि है और वर्तमान में मकर राशि में गुरु और शनि वर्तमान में गोचररत हैं, तो आने वाले दिनों में भोपाल न केवल हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश में तो होगा ही होगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक साफ सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में अवश्य विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अरविंद तिवारी जी। मैं बस एक चीज़ को लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए मेरे को अनुराग जी ने ना केवल टीवी पर लेके आए लेकिन एक दूसरी विभूति भी मेरे साथ बैठी हुई थी, शरद जी, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। शरद जी ने मुझे मौका दिया बंसल न्यूज़ पर, लगातार 4 वर्षों तक बंसल न्यूज़ पर लाइव बैठा, बहुत सेवा का मौका दिया और उनके सानिध्य में मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की और हृदय से आभार शरद जी का, यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने दिया। हमारे दैनिक जागरण में, चूंकि अभी भी दैनिक जागरण से जुड़ा हुआ हूँ, दाऊ मृगेन्द्र सिंह का भी बहुत स्नेह रहा, आज भी वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, प्रभारी बना रखा है उन्होंने, तो आप सभी का मेरे जीवन में बड़ा योगदान है। मृगेन्द्र सिंह जी, शरद जी, अनुराग जी, अनुराग जी ने तो इतनी भविष्यवाणियाँ मेरे से कराई हैं और ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कराई हैं कि कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने थे मैंने, तब आपके साथ DNN न्यूज़ पर बैठ के स्पष्ट रूप से कहा था कि हम पंडित जी हम बाल बाल बच गए, नहीं तो लोग हमको मारते, इतनी भविष्यवाणियाँ की। अनुराग जी मेरे से ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ कराए करते हैं और बहुत स्नेह है अनुराग जी का, आज भी मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। मैं हृदय से आभारी हूं अनुराग जी और शेफाली जी का कि आपने मुझे सम्मान के लिए चुना। 11 वर्ष की आयु से ज्योतिष कार्य प्रारंभ कर देने वाले, 2 वर्ष की आयु से गणनाओं में महारथी हो गए पंडित अरविंद तिवारी आज यहां सम्मानित हो रहे हैं। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राजनीति शास्त्र आपने पढ़ाया और 2003 में छत्तीसगढ़ के एक निजी विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में सेवाएँ भी दीं। ज्योतिष के क्षेत्र में लेखन प्रेरणा नई दुनिया के पूर्व संपादक पंडित मदन मोहन जोशी से मिली। देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में आप लिखते हैं तथा चैनल्स पर ज्योतिष के शो आपने इनके देखे होंगे। राजनीतिक भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो एकदम सटीक होती हैं, हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बढ़िया। और चूंकि मैं दखल परिवार का सदस्य हूं, बरसों से अनुराग जी और शेफाली जी से जुड़ा रहा और आपके दखल न्यूज़ चैनल पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा लगा। परिवार के सदस्य को बुलाकर सम्मानित करना बहुत बढ़िया। अनुराग जी और शेफाली जी का हृदय से आभारी हूं।